खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL टीवी, भरोसा अलवर का। नमस्कार, ATL टीवी के सभी दर्शकों का स्वागत है। खबरों के साथ मैं वर्षना जैन। बढ़ते हैं आज की हेडलाइंस के साथ। शहर में रात भर बिकती है अवैध शराब, पुलिस और आबकारी विभाग से बेखौफ होकर चल रहा कारोबार। बुजुर्ग का अपहरण कर मांगी 5 लाख की फिरौती, जेल सर्किल के समीप हुई घटना के बाद परिजनों ने करवाई FIR। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर फिर हुए हादसे में 3 की गई जान, रैणी के मुकुंदपुरा में खड़े ट्रक से टकराई कार। और बाघों का कुनबा बढ़ाने में अहम रोल निभाने वाली सरिस्का की राज माता ने तोड़ा दम, रणथंभौर से आई बाघिन S3-2 से आबाद हुआ है सरिस्का। और अब खबरों को हम जानेंगे विस्तार से। शराब ठेकों पर शाम 8 बजे तक ही मदिरा का विक्रय किया जा सकता है, लेकिन अलवर में कई जगह इस निर्धारित समय सीमा के कोई मायने नजर नहीं आते। ठेकों पर कार्यरत कई कर्मचारी भी अवैध कारोबार में लिप्त हैं और देर रात तक शराब का बेचान जारी रहता है। सरकार भले ही बदल गई हो, लेकिन पुलिस और अवैध शराब बेचने वालों की कार्यशैली नहीं बदली। अलवर शहर कोतवाली के आसपास मंगलवार रात के नजारे को देखकर तो यही प्रतीत हुआ। यहाँ कोतवाली पुलिस की जीप अंडे वाली गली के बाहर खड़ी थी और अंदर गली में शराब बिक रही थी। पुलिस की मौजूदगी के बावजूद अवैध शराब बेच रहा व्यक्ति निडरता से कह रहा था कि पूरी रात शराब खरीदी जा सकती है। यहाँ आसपास आधा दर्जन से अधिक ठिकानों पर इसी तरह शराब मिलती है। रात को 3 जगहों पर अवैध शराब बिकने के नजारे को कैमरे की नजर से आप भी देख सकते हैं। पूरी रात ले कर हमें से और बोलो लाल किसका भाई? उधर स्वर्ग रोड पर शराब की दुकान के शटर में भी विंडो है। यह विंडो अवैध रूप से शराब बेचने के लिए बना रखी है। जैसे ही कोई बाहर से आवाज देता है, अंदर से विंडो के जरिए शराब आ जाती है। वहीं पुलिस कंट्रोल रूम के पास शराब ठेके के बाहर भी रात को 12 बजे तक शराब मिल जाती है। यहाँ ठेकेदार का आदमी बाहर खड़ा रहता है, जो राशि लेकर आवाज देता है तो शटर के अंदर से शराब आ जाती है, लेकिन पुलिस प्रशासन इससे बेखबर बना हुआ है। अरे वो तो जाओ मारो यार, सेठ तो जाओ, पैसा रुक नहीं, फोन पे ना लेवा के महाराज ले लो, है सब ले लो, फोन पे लिया एक ही लिया ले रहा भाई है ना। ठीक है साजी, 1 लाख ढक्कन लाल और ले लो। पैसा वैसा लेना दिखे तो अंदर है भाई, अंदर है पूरा मकान। कम लो चीज शहर में तुम्हारे यहाँ में क्या ऊपर टू रूम सेट है, टू रूम है कल भी तो आया मैं तेरा पैसा ही था, पूछ ले टू रूम सेट है, 2 BHK साढ़े 300 का हो गए थे यहाँ
320 करोड़ खड़े किस लिए फिर ऐसे हम भी जा सकते घर कर ले कम बत्ती कर रेट फिक्स रेट अच्छा देते जब शराब ही पीनी है तो आदमी ने 450 थोड़ी 400 बता रहा तू हमारी लगा रही क्यों ओरिजिनल है ना हरियाणा है। गौरतलब है कि ठेकों से शराब बेचने का समय शाम 8 बजे तक निर्धारित है, लेकिन शहर सहित जिले में कई स्थानों पर इस समय के कोई मायने नहीं है और निर्धारित दर से अधिक राशि लेकर शराब बेचने का सिलसिला जारी रहता है। अलवर में एक बुजुर्ग का अपहरण कर 5 लाख रुपए की फिरौती मांगने का मामला सामने आया है। वहीं उसके परिजनों ने सदर थाने में रिपोर्ट करवाई है। यह घटना शहर के कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत जेल सर्किल की है। बुजुर्ग गंगाराम के पुत्र सुमित ने बताया कि रोजाना की तरह उसके पिता सुबह मजदूरी के लिए जेल चौराहे गए थे। कुछ देर बाद उन्होंने 2 व्यक्तियों के साथ मजदूरी के लिए महाराष्ट्र जाने की बात कही, लेकिन बाद में पिता का फोन आया और उन्होंने बताया कि उनका अपहरण हो गया है एवं ये दोनों व्यक्ति 5 लाख रुपए की फिरौती मांग रहे हैं। जब दोबारा इस नंबर पर कॉल किया गया तो फोन स्विच ऑफ मिला। फिलहाल पुलिस पूरे मामले में जांच पड़ताल कर रही है। जी सर, मेरा पापा घर से काम पे आए थे तो वो बोल रहे थे कि भाई मैं काम पे जा रहा हूँ, फिर 2 बंदे थे वो उनको ले गए काम के बहाने से, वो बोल रहे कि हम महाराष्ट्र जा रहे काम करने के लिए। फिर पापा का फोन कट गया, फिर दोबारा पापा के फोन से फोन आया था कि भाई ये 5 लाख रुपए मांग रहे, नहीं तो मेरे साथ कुछ भी कर सकते हैं। फिर उसके बाद में भाई घर वालों ने बोला था कि हाँ हम 5 लाख रुपए करेंगे व्यवस्था, पर जहाँ पे भी है वहीं पे ही उतर जा, तो हम आ रहे हैं। तो बोले कि हम नहीं उतार सकते इसको, भाई वो लेकर चले गए। फिर हम सीधा हमने स्टेशन पे गए, वहाँ पे ढूंढा, बस स्टैंड ढूंढा, जेल सर्किल पे भी ढूंढा था, नहीं कहीं भी पता लगा, रिश्तेदारी में ढूंढा था नहीं पता लगा। कौन लोग हैं वो, कोई नाम पता है? नाम पता सर कुछ भी नहीं बता रहे वो, और न मोबाइल नंबर बता रहे, कुछ भी नहीं बता रहे सर। आपके पिता का नाम क्या है? पिता का नाम गंगाराम सैनी। कहाँ के निवासी हो? निवासी तो हम स्कीम 4 सुरग रोड बागर का मोहल्ले के हैं, पर फिलहाल हम चिकानी रहते हैं रेंट पे। चिकानी से ही अपहरण हुआ उनका? जी सर, अलवर से हुआ, जेल सर्किल से। अलवर जेल सर्किल जी सर जी, काम के बहाने से लेके गए थे। 2 व्यक्ति हैं, एक तो मेयो का लड़का है और एक गुजरों का लड़का है सर। उधर थाना प्रभारी दिनेश चंद के अनुसार जल्द ही बुजुर्ग को बरामद कर लिया जाएगा। परिवादी सुमित पुत्र गंगाराम निवासी रोड जो अभी ग्रीन पार्क में किराए पर रहते हैं, उन्होंने प्रकरण दर्ज कराया कल रात को कि मेरे पिताजी कल सुबह 8 बजे मजदूरी के लिए जेल चौराहे पर गए थे। वहाँ 9 बजे उनका फ़ोन आया कि मैं 2 व्यक्तियों के साथ महाराष्ट्र कमाने के लिए जा रहा हूँ। उसके बाद फिर 9:30 बजे किसी अन्य व्यक्ति ने उसी नंबर से फ़ोन किया था जो उनकी सिस्टर के पास गया था परिवादी के, कि 5 लाख रुपए दो नहीं हम कुछ भी कर सकते हैं। इस प्रकार का प्रकरण दर्ज कराया गया है, जिस पर प्रकरण दर्ज कर तलाश जारी है, शीघ्र ही दस्तयाब किया। अभी तक सर कुछ सूचना नहीं मिली, कोई लोकेशन के आधार पर जांच पड़ताल की हो तो? हाँ, लोकेशन के आधार पर प्रयास किए हैं, लेकिन फोन सुबह 9:30 बजे से ही बंद है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर लगातार दुर्घटनाएं सामने आ रही हैं। यहां रैणी के मुकुंदपुरा के समीप हुए भीषण हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। पुलिस के अनुसार उत्तर प्रदेश नंबर की फॉर्च्यूनर गाड़ी में सवार 3 लोग जयपुर की ओर जा रहे थे। मार्ग में मुकुंदपुरा गांव स्थित पुलिया पर साइड में खड़े पाइप से भरे ट्रक से उनकी गाड़ी टकरा गई। 3 मृतकों के शवों को रैणी CSC की मोचरी में पहुँचा दिया गया है। तो एक ट्रक खड़ा हुआ था साइड में, पाइपों का भरा हुआ है वो, तो उसमें इनको नींद वगैरह आ गई, तो इन्होंने पीछे से गाड़ी ठोक दी। इसमें तीनों होने स्पॉट ख़त्म हो गए, हम मौके पर आ गए। डेड बॉडी को हमने हॉस्पिटल का नाम पहुँचा दिया है। एक का नाम श्री लाल बाबू तांती, सनप राम सेवक तांती, ये इंदिरापुरम शिवपुरम शिवरा सुन। गौरतलब है कि इससे पहले भी एक्सप्रेसवे पर कई हादसे हो चुके हैं। इस चौड़ी और बढ़िया सड़क पर अंधाधुंध गति से वाहन दौड़ते हैं, ऐसे में जगह जगह स्पीड ब्रेकर बनाने
और गति पर निगाह रखने वाले गश्ती दलों की तैनाती की जरूरत बनी हुई है। और वहीं नौगावा थाना अंतर्गत मुबारकपुर मोड़ पर गत रात सड़क दुर्घटना में स्कूटी चालक की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार मुबारकपुर निवासी भूपेंद्र सिंह अपने ससुराल ग्राम बिजवा से वापस घर लौट रहा था। रास्ते में मुबारकपुर मोड़ पर एक अज्ञात वाहन ने भूपेंद्र की स्कूटी को टक्कर मार दी। रामगढ़ से जिला अस्पताल ले जाते समय उसने मार्ग में ही दम तोड़ दिया। भूपेंद्र कृषि कार्य से जुड़ा हुआ था और उसके दो बच्चे हैं। कल हमारा भांजा बिजवा गया था, एक प्रोग्राम था, वहां से रात को लगभग 7:45 वापिस आ रहा था। तो मुबारकपुर से लगभग 1 किलोमीटर दूर राधा स्वामी सत्संग भवन के पास किसी गाड़ी से उसकी टक्कर हो गई और वो वहाँ एक्सीडेंट हो गया और वो सीरियस हो गया। जैसे ही हमको पता लगा हम वहाँ पर पहुँचे और उसकी लेकर उसको रामगढ़ पहुँचे। रामगढ़ से उनको रेफर अलवर कर दिया गया, फिर उनको अलवर लेकर आए, अलवर आकर जनरल हॉस्पिटल में उनको मृत घोषित कर दिया। किस पे थे ये? स्कूटी पे थे, एक्टिवा पर। वाहन का पता लगा किसने टक्कर मारी क्या? वाहन का पता है कुछ वहाँ में लोग बाग बता रहे हैं, लेकिन हमको टाइम नहीं मिला वहाँ पहुँचने का भी। कारण क्या, रात को अर्जेंट हम यहाँ आ गए। जो लोग वहाँ पड़ोसी हैं वहाँ पर रहने वाले, वो लोग बता रहे हैं अभी हम वापिस पहुँचेंगे तो वहाँ पर। नाम पता क्या है? उनका नाम भूपेंद्र सिंह, सालोप सरदार अवतार सिंह, जाति ब्राह्मण सिख, उम्र 45 साल, निवासी मुबारकपुर। वो बिजवा से आ रहे थे मुबारकपुर अपने घर पर। कितने बच्चे हैं इनके, क्या करते थे? ये कृषि का काम करते हैं। इनके दो बच्चे हैं, एक लड़की है एक लड़का है। सरिस्का की राजमाता कही जाने वाली बागेन एसटी 2 की बदौलत यहाँ बाघों का कुनबा 30 पर पहुंचा है, लेकिन पूंछ में घाव के चलते अनेक दिनों से पीड़ित इस बाघिन ने अब दम तोड़ दिया है। सरिस्का की बाघिन एसटी 2 की मौत के बाद बुधवार सुबह पोस्टमार्टम करवाया गया। इस दौरान वन मंत्री संजय शर्मा भी पहुंचे और दुख जाहिर किया। गौरतलब है कि यहाँ बनाए गए एनक्लोजर में इस 19.5 वर्षीय बाघिन ने दम तोड़ दिया था। गौरतलब है कि वर्ष 2008 में रणथंबोर से इस बाघिन को लाया गया था। उसे सरिस्का की राजमाता भी कहा जाता था क्योंकि यहाँ मौजूद 30 बाघों में से करीब 25 बाघिन एसटी 2 की नस्ल के हैं। पूंछ में घाव के चलते एनक्लोजर में रखकर उसका उपचार किया जा रहा था, लेकिन मंगलवार को बाघिन ने दम तोड़ दिया। बुधवार सुबह वन एवं पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा, सरिस्का के अधिकारियों और चिकित्सकों की मौजूदगी में बाघिन का पोस्टमार्टम किया गया। इसके बाद शव का दाह संस्कार हुआ। बाघिन की देखभाल में लगे वन रक्षक केयरटेकर से ही मुखाग्नि दिलवाई गई। वहीं मंत्री संजय शर्मा ने कहा कि बाघिन एसटी 2 का सरिस्का को आबाद करने में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। सीसीएफ रूपनारायण मीणा ने भी इस बारे में जानकारी प्रदान की। 2008 में रणथंबोर से एसटी 2 को लाया गया था और राजमाता के नाम से ये प्रचलित भी थी और प्रसिद्ध भी थी। और उस वक्त सरिस्का जंगल में टाइगर लगभग ख़त्म हो चुके थे और एसटी 2 के आने के बाद ही इसके बच्चों से सरिस्का में एक तरह से वापस से टाइगर का आना शुरू हुआ था, जो बच्चे थे उसकी वजह से। और 19.5 साल की उम्र पूरी करने के बाद, जबकि मुझे जानकारी दी गई है कि 14 से 15 वर्ष ही एक टाइगर की उम्र होती है, लेकिन 19.5 साल की उम्र पूरी करने के बाद बीमार थी और इसको अलग एक केज में रखा हुआ था, जिसके कारण उसका देहांत हुआ है। कल माननीय मीना साहब ने जब मुझे बताया तो मेरे मन में भाव आया कि जिसकी वजह से सरिस्का हमारा बचा या सरिस्का वापस आबाद हुआ, तो ऐसी राजमाताओं को मुझे स्वयं को आकर के श्रद्धांजलि भी देनी चाहिए, इसलिए मैं हाजिर हुआ हूँ। इसको जुलाई 2008 में ऊपर लाए थे, रणथंबोर से पहला ट्रांसलोकेशन था कंट्री के अंदर। उसके बाद में इसने सरिस्का को काफ़ी बढ़त दी है। आज की तारीख में जो 30 टाइगर्स में से लगभग 25 टाइगर जो जनरेशन है वो इसकी बहुत ही सही नेचर की टाइगर्स थी। साइटिंग बहुत कम रहती थी और इसने भी करीब 3.5 साल बाद यहाँ पर कब्ज को जन्म देना शुरू किया था। अब चूँकि अंतिम समय ये 19.5 साल की हो चुकी थी और मेरे ख्याल हमारे देश में सबसे वृद्धावस्था वाली टाइग्रेस है, और चूँकि इसके घाव भी हो गया था, पैर में भी थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, तो इसका ट्रीटमेंट चल रहा था वेटनरी ऑफिसर्स की टीम बना करके। और उसी ट्रीटमेंट के दरमियान जो है ये कल जो है इसने अंतिम सांस ली। उधर सरिस्का टाइगर फाउंडेशन के अध्यक्ष सुनील मेहता के अनुसार यहाँ कई टाइग्रेस बांझ रह गई थी, लेकिन एसटी 2 की वजह से सरिस्का में बाघों का कुनबा आगे बढ़ा।
आज हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं जिसको ST2 जिसका जिसको श्रद्धांजलि देने इकट्ठे हुए हैं, जो ST2 ही आज उसको राजमाता का दर्जा दिया, इसलिए दिया गया है सरिस्का की, क्योंकि उन्होंने ही सरिस्का को ST2 ने सरिस्का को आबाद किया। जहाँ पे सरिस्का में काफ़ी टाइगर्स जो कि भी बांझ जो कि इनफर्टाइल निकले, जिन्होंने बच्चे नहीं दिए, काफ़ी ब्लैंक निकले, जिसका आज नहीं तो अगर वो सब सही होते तो सरिस्का की जनसंख्या आज 60 के ऊपर होती। देखिए सब सबसे पहले तो क्या है कि मैं जहाँ मानता हूँ, मेरा ये मानना पक्का विश्वास है, मानना है क्या है कि जहाँ जहाँ पर्यटन की गतिविधि बढ़ेगी वहाँ पर बाघ सुरक्षित रहता है। आज हमने हमारे NTC ने 20% पार्क टाइगर रिजर्व को खोलने के लिए अनुमति दे रखी है पर्यटन के लिए। आज सिरसा से 5% खुला हुआ है, सिरसा में रूट्स नहीं है जहाँ पे आए जा सके, लोग टूरिज्म आ जा सके, मॉनिटरिंग हो सके। मैं बहुत टाइम से सरकार को लिखते हुए आ रहा हूँ कि हमें फायर रूट्स भी चाहिए और टाइगर मॉनिटरिंग रूट्स भी चाहिए, जिसके लिए कि अगर आग पहले आपको पता है पहले भीषण आग का कांड भी हुआ था सिरसा में, तो हमारे पास रूट्स नहीं थे, हमें हेलीकॉप्टर लाना पड़ा, नहीं तो क्यों नहीं हम बाय वाहन के साधनों से जाके उस आग को बुझा सकते। तो हमें रूट्स भी बनाने, रूट्स बनेंगे, ऑब्वियसली मॉनिटरिंग स्टाफ की बहुत कमी है, स्टाफ को भी बढ़ाना पड़ेगा, मॉनिटरिंग की सुविधाएं भी देनी पड़ेगी और जगह जगह कैमरा ट्रैप लगाना पड़ेगा। साथ साथ में मेरा ये मानना कि जो आसपास गाँव वाले हैं, जो गाँव वाले जो सरिस्का के जंगल के आसपास निवास करते हैं, उनको साथ में लेना, उनको भागीदार बना के उनको पार्टनर बना के चलेंगे तो पोचिंग नाम की चीज़ हो ही नहीं सकती। अगर आसपास के गांव वाले ये चाहेंगे कि पोचिंग ना हो तो पोचिंग 1% भी चांस नहीं रहता है। तो हमें इन सब के बारे में विचार करके आगे सोचना चाहिए। सरिस्का एक बहुत गंदे दौर से गुजरा है, बहुत कठिन दौर से गुजरा है, सरिस्का ऊपर आया है, आज सरिस्का में बाघ यहाँ पे पैदा हुए बाघ भी काफ़ी ज़्यादा तादाद में है। ST2 का तो जाना जो आता है वो जाता है, स्वाभाविक था, 19 साल की सबसे उम्र दराज बाघिन थी भारत की, वो उसने अपना काम किया, अपना जो उसकी ड्यूटी थी, जो अपना कर्तव्य था सरिस्का के प्रति करके वो देवलोक को सरदार गई है। सरिस्का बाघ परियोजना में बाघिन ST2 राजमाता के नाम से जानी जाती थी, जिनका निधन के बाद आज वन विभाग अधिकारी एवं प्रशासन के समक्ष और निगरानी में उनका पोस्टमार्टम हुआ और इस मौके पर वन एवं पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा भी पहुंचे, जहां उन्होंने भी भावहीन श्रद्धांजलि अर्पित की। हम बता दें कि बाघिन ST2 जो रणथंबोर से लाई गई थी, जिसने सरिस्का को आबाद करने में उनका मुख्य अहम रोल रहा है, और आज जो उनके दाह संस्कार किया गया है, पोस्टमार्टम हुआ है, और काफ़ी दिनों से वो उनके पूंछ में घाव था तो इलाज चल रहा था। टपुकड़ा थाना क्षेत्र में 23 वर्षीय महिला को ससुराल पक्ष द्वारा दहेज प्रताड़ना देते हुए जहर देकर मारने के आरोप सामने आए हैं। मृतका के पिता नूमेवात निवासी साहू मोहम्मद ने बताया कि उन्होंने अपनी बेटी नजराना करने कहा टपुकड़ा के ग्राम डालावास झोपड़ी में 5 महीने पहले किया था। ससुराल पक्ष ने शुरुआती तौर पर दहेज के लिए कोई मांग नहीं रखी थी, लेकिन 2 महीने बाद वे ब्रेजा कार की डिमांड करने लगे। साथ ही महिला का पति और उसके ससुराल जन लगातार उसके साथ मारपीट करते थे। यही नहीं, वीडियो एवं ऑडियो कॉल करके नजराना के साथ मारपीट के दृश्य भी उन्हें दिखाते और सुनाते थे। वहीं करीब 6 दिन पहले नजराना को ससुराल पक्ष ने जहर दे दिया। जब उसकी तबीयत बिगड़ने लगी तो टपुकड़ा को सरकारी अस्पताल में महिला को भर्ती करवाया गया और यहां से उसे अलवर के निजी हॉस्पिटल में लाया गया। बुधवार सुबह करीब 8 बजे नजराना ने दम तोड़ दिया। इसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल लाया गया। लड़की का नाम नजराना, 5 महीने पहले शादी गई है। जैसे भी कोई बात है, जैसे दान दहेज जैसे दिया जाता है वो मैंने दिया है। इसके घर से मैंने 1 पैसा नहीं उठवाया, कोई भी कह दे इसके परिवार का आदमी 1 पैसा इसका उठवाया हो, इसके निकाह के छुहरे भी मैंने लग दिए। मैंने जैसे दान दहेज सब कुछ दिया है, 1 किलो चांदी दी है, सोने की बाड़ी दी है, और उसके बाद में भी मैं लड़की खुद कर पाया हूँ, 65,000 रुपये के लगते कपड़े दे के सब कुछ दे गए, और ये बार बार टॉर्चर करते हैं लड़की, यहाँ से ले जाते हैं मेरे पास से, मेरे पास 2-3 बार आ गए। कौन लोग हैं ये? मेरी लड़की के ससुराल वाले। क्या क्या नाम है इनका? ये इसका नाम क्या नाम है, बर्रा है, इसका लड़का बेटा साहिन, छोटे लड़के 2 लड़की दिए मैंने, 2 लड़के हैं इसके, छोटे लड़के का नाम वो है क्या, साहिन तो बड़े का है, छोटे का जमशीद। अच्छा, तो बार बार अभी यही 4-6-7 दिन पहले छोटी लड़की को ले गया है, वहाँ जाके वहाँ से आया हो, छोटी लड़की रोक ली, 1 दिन आज तक मैंने छोटी लड़की नहीं रोकी, जैसे अभी आते हैं तुरंत विदा कर दूँ। उस दिन छोटी लड़की रोक ली कि माँ बीमार थी, उसके बाद में छोरी मारी जाके वहाँ, मेरे को फ़ोन पे फ़ोन मिला के रख देते हैं और जब आवाज़ सुनाते हैं। लड़की को जहर दे दिया इन्होंने,
हाँ। कौन से थाना क्षेत्र का मामला है? सिटापुगड़ा थाना क्षेत्र। कौन सा गांव है? ये डालाबाद झोंपड़ी। किसके साथ करी थी? क्या नाम है उनके पति? साहिन। क्या डिमांड रखते थे वो लोग? डिमांड कार की है जिनकी, मैंने कही थी बुलाए थे। कौन सी कार की? कार की इनने कही थी मेरे को ब्रेजा कार चाहिए, तो मैंने इनसे कही थी, मैंने बुलाए थे पंचायत, बुलाई थी मैंने कि जो इनके जरूरत है आज मेरे से बोलते हैं, मैं अपनी जमीन बेको आज दूंगा कार। उस दिन ये एक महीने पहले की बात है जी, शादी 5 महीने पहले हुई है। 5 महीने हुए शादी। बच्चे अच्छे हैं क्या? नहीं बच्चे अच्छे नहीं। तेरा जगह टिकट हमारे सामने कोई नहीं है। जिस दिन लड़की शादी थी रिश्ते के लिए आया था उस दिन भी गई, हमारे पास खाली छोरी है, खाली रोटी बेटी है, मैंने कि हमारी रोटी बेटी मंजूर है, इस बात का हमारा रिश्ता हुआ और हमारे आगे कोई गाड़ी गुड़ी की कोई देना है। अलवर डेयरी के बाहर बुधवार को प्रदर्शन हुआ। इस दौरान दूध माफिया के भ्रष्टाचार पर रोक एवं दूध की रेट बढ़ाने की मांग उठाई गई। रैणी दुग्ध उत्पादक संघ से जुड़े शिवलाल मीणा और अन्य लोगों ने आरोप लगाया कि मिलीभगत होने के कारण भ्रष्टाचार खत्म नहीं हो रहा। अलवर डेयरी संघ में दूध माफियाओं का बोलबाला होने से दुग्ध उत्पादकों को दूध की सही रेट नहीं मिल पा रही है। उन्होंने मिलावट करने वालों के टैंकरों को ब्लैकलिस्ट करने की भी मांग उठाई। इन सभी मांगों को लेकर डेयरी एमडी को सीएम के नाम ज्ञापन भी सौंपा गया है। हम किसानों की समस्या को लेकर धरना प्रदर्शन किए हैं। किसानों को इनके दूध की पूरा सही भुगतान नहीं हो पा रहा है और यहाँ इस डेयरी के अंदर जहाँ सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार हो रहा है, दूध माफियों का यहाँ दूध बन पा रहे हैं, पानी को यहाँ लिया जा रहा है, किसानों का दूध की रेट कम हो रही है। और हम अगर हमारी ये मांग दी है, आज ज्ञापन दिया है, इन्होंने अगर मांग नहीं मानी तो हम जब तक हमारी मांग नहीं मानेंगे हम धरना और प्रदर्शन करेंगे। और हम ये दूध माफियों का यहाँ गेट बंद करना चाहते हैं ताकि हम किसानों का शुद्ध दूध भेजना चाहते हैं सर्स में। मिलावटी दूध हम इस संघ में भेजना नहीं चाहते क्योंकि ये 5-6 आदमी ऐसे हैं जो दूध माफिया दूध मिला के और यहाँ देते हैं, उनका पनपा चल रहा है। पहले से हम पूरे डायरेक्टर ने इनकी शिकायत RCDF से पूरे अधिकारियों से की थी, लेकिन हमारी उस टाइम में नहीं सुनी। उस टाइम में कांग्रेस सरकार थी, अधिकारियों ने हमारे नहीं की, हमारा काम नहीं हुआ, किसानों को दूध का सही भुगतान नहीं हो पाया। इसलिए हमने आज पूरे किसानों ने, अब सरकार बदल गई तो हमने भी ये कहा कि किसानों को उनका दूध का उचित मूल्य मिलना चाहिए और शुद्ध दूध किसानों का ही खरीदा जाए, ये दूध माफियों का दूध नहीं खरीदा जाए। एमडी ज्ञापन दिया, एमडी साहब ने हमने कहा ज्ञापन को पढ़ लो, खूब संतुष्ट लो, किस किस का आप काम कर सकते हो जो हमको बताए, नहीं करे तो हमको बताओ, नहीं करेंगे तो हम डेयरी के गेट पर रहेंगे, धरना देंगे और किसानों के लिए हमेशा लड़ाई लड़ेंगे। हमारे यह 8 मांगे, दूध माफियों का दूध बंद किया जाए, डेयरी संघ में दूध की रेट बढ़ाई जाए और भ्रष्टाचार कर्मचारी जो सेवानिवृत्त हैं उनको डेयरी से बाहर निकाला जाए और रात को 8 बजे जो कर्मचारी लैब में जाते हैं, फैटों में हेराफेरी करते हैं, उनको डेयरी से बाहर के गेट दिखाया जाए। अलवर के इटराना छावनी में सेना के एक जवान ने खुदकुशी कर ली। वह परिवार के साथ इटराना कैंट में ही रहता था। जवान ने खुद के कमरे में फंदा लगा लिया। MIA थाना के ASI महेश ने बताया कि महाराष्ट्र के कोल्हापुर निवासी की 31 वर्षीय महेश ने अज्ञात कारणों से फंदा लगाकर जान दे दी। आर्मी अस्पताल में चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वही शव को पोस्टमार्टम के बाद परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया है। मृतक के परिवार में 2 बच्चे हैं। महेश चौगले शनोफ रामचंद्र, जाति मराठा, निवासी कोल्हापुर महाराष्ट्र का रहने वाला था, जो आर्मी में कॉन्स्टेबल के पद पर नौकरी करता था और MIA इटराना कैंट में रहता था, बच्चों सहित रहता था। उसने कल फांसी लगा ली क्वार्टर में, उसको वहाँ से लेके MH गए, MH में डेड घोषित कर दिया तो सरकारी हॉस्पिटल में लाकर भर्ती कराया। कितने बजे का मामला? कल सुबह पता चला है, कल सुबह करीब 6:30 बजे। सुसाइड नोट वगैरह? कोई सुसाइड नोट नहीं मिला। कब से पोस्टेड थे आप? यहाँ समथिंग 10 साल से बता रहे हैं। किस पद पे हैं? कांस्टेबल के पद पे। बच्चे 2 बच्चे हैं इसके और बाकी परिवार सहित रहता था। हाँ, परिवार सहित रहना बता रहे हैं। वन और पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा ने अलवर स्थित निवास पर शहर के लोगों से मुलाकात की। इस अवसर पर भाजपा के कार्यकर्ता एवं समर्थकों की भी मौजूदगी रही। अनेक लोगों ने अपनी समस्याओं को सामने रखा। इस पर वन मंत्री ने अधिकारियों को दिशा निर्देश देते हुए समाधान कराए जाने के निर्देश दिए हैं। रामगढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम शहरडोली में 8 माह का बालक झुलस गया। उसका जिला अस्पताल में इलाज जारी है। बालक के पिता साहुन खान के अनुसार घर के लोग अलाव ताप रहे थे, इसी दौरान करीब 2.5 वर्ष के उसके पुत्र ने 8 माह के अपने भाई सबीन खान को आग में धक्का दे दिया। पास में खड़ी सुबीन की माँ ने तत्काल उसे उठाया, लेकिन तब तक उसके चेहरे का हिस्सा झुलस चुका था। बर्न वार्ड में बालक का उपचार जारी है। सुबीन
कितने वर्ष वो वहाँ का है? वो साहब 8 महीने का ऊपर हो गया है, 2-4 महीने का। हाँ, कैसे जल गया? बच्चों ने छोटे से ने आँच पे धक्का मार दिया, वो जल गया। इसी के बड़े भाई ने धक्का मार दिया? हाँ, छोटे से। खेलते 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 आग कहाँ लगा रखी थी? बस वहीं बैठने के लिए उनके लिए आग जला रखी, तो वो ताप रहे थे, उन्होंने धक्का मार दिया, वो जल गया। कितने बजे की घटना है ये? सुबह 8 बजे की है। किस तारीख की? 8 तारीख की। 8 तारीख को सुबह 8 बजे धक्का मार। पहले कहाँ ले गए बच्चे को आप? हमने वहाँ मालखेड़ा दिखाया, खारेड़े में भी सुई हुई लगवाई है, पर उनसे आराम नहीं मिला। कहाँ कहाँ जल गया बच्चा? बस मुँह ही मुँह पर से जले थे, आधा पूरा आग में गिर गया था। हाँ, किसने देखा सबसे पहले? सबसे पहले इसकी मम्मी ने, और हमारी वो लड़की थी ना, उसने उठाए थे। क्या लगते हो आप बच्चे के पिताजी हैं? और यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, देखते रहिए एटीएल टीवी। अलवर में एक जाना माना नाम मानसिंह कृपा दयाल स्वीट्स तेजारा वाले। मीठी मेवा गजक, रेवड़ी और गाजर का हलवा शुद्ध व ताजा हर समय तैयार मिलता है। विशेष मौकों पर स्पेशल मिठाइयों में स्पेशल मक्खन बड़ा, तिल के लड्डू, तिल पाक, मावा तिल के लड्डू, मावा गजक, खंडाला तिल मरोड़ी, मूंगफली पट्टी, लौंग लता मट्ठी इत्यादि हमेशा तैयार मिलेंगे। इसके अलावा शादियों के स्पेशल भाजी के गिफ्ट बैग डब्बे भी हमारे यहाँ तैयार किए जाते हैं। तो एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। हमारा पता है चर्च रोड अलवर, A50 मालवीय नगर अलवर, फोन नंबर 01442332624, 01442332625। 27वां अखिल भारतीय सैनी समाज सामूहिक विवाह समारोह दिनांक 12 मार्च 2024 फुलेरा दोज को प्याज मंडी, नई सब्जी मंडी, अग्रसेन सर्किल के पास परिसर में आयोजित किया जाएगा। इस बार सामूहिक विवाह समारोह में समाज की महिलाओं एवं बालिकाओं को अधिक से अधिक भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु 10 मार्च 2024 रविवार को रंगोली प्रतियोगिता प्रातः 10 से 12 बजे, मेहंदी प्रतियोगिता दोपहर 12:30 बजे से 2 बजे तक, डांस प्रतियोगिता 2:30 बजे से 5 बजे तक प्याज मंडी, नई सब्जी मंडी, अग्रसेन सर्किल के पास अलवर पर आयोजित होगी, जिसमें तीनों प्रतियोगियों में प्रथम पुरस्कार जूसर मिक्सी, द्वितीय पुरस्कार प्रेशर कुकर 5 लीटर, तृतीय पुरस्कार इलेक्ट्रिकल हैंड ब्लेंडर छाछ दूध काम में आने वाला मिलेगा। प्रतियोगिता में भाग लेने वाली सभी महिलाओं एवं बालिकाओं को सांत्वना पुरस्कार भी प्रदान किए जाएंगे। पंजीकरण की अंतिम तिथि 5 मार्च 2024 निश्चित की गई है। अधिक जानकारी हेतु शमुदयाल एंड कंपनी A3 नई सब्जी मंडी अलवर से संपर्क करें। मोबाइल नंबर 9983300657। सैनी समाज सत्संग भवन काशीराम के चौराहे के पास अलवर, प्रत्येक रविवार दोपहर 12 से 4 बजे तक। बेहतरीन खेतों से चुनी मिर्च, जिससे बनता है जी प्योर का लाल मिर्च पाउडर, और आपके डिश को बना दे जो हेल्दी, ऐसा है जी प्योर का हल्दी पाउडर। कड़कती महक और स्वाद बढ़ा दे, ऐसा जी प्योर का धनिया पाउडर। बेहतरीन मसालों के साथ जे प्योर, जो हर रसोई का है पहला प्यार। जे प्योर स्पाइसेस, द हार्ट ऑफ इंडियन कुकिंग। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। सरकारी विभागों से जुड़े अनियमित और संविदा कर्मचारियों ने 100 दिनों में संबंधित बोर्ड के गठन की अधिसूचना जारी कर उन्हें नियमित करने की मांग की है। इसे लेकर जिला अतिरिक्त कलेक्टर को ज्ञापन दिया गया है। यह कार्मिक राजस्थान लॉजिस्टिकल सर्विस डिलीवरी कॉरपोरेशन के गठन पर जोर दे रहे हैं। इसके अलावा संविदा प्लेसमेंट संघर्ष समिति एवं कॉन्स्ट्रेक्चुअल कंप्यूटर एम्प्लॉय संघ के बैनर तले बैठक की गई। संगठन सचिव यश जोशी ने कहा कि बैठक में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का अभिनंदन करने का निर्णय हुआ।
साथ ही ठेका प्रथा पर रोक लगाने सहित अनियमित कर्मचारियों की समस्याओं को लेकर एडीएम को मांग पत्र दिया गया। इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष अनीश राज प्रजापति सहित सावन बसवाला, अखिल शर्मा, मुल्कराज, कृष्ण, कपिल प्रजापत और टीटी मीना आदि उपस्थित रहे। सैरोगेट मदर के नाम पर झारखंड की महिला के पेट से अंडाणु निकालने के आरोप सामने आए थे। महिला ने अलवर के प्रिपगोम बेबी सेंटर से संचालक के खिलाफ रिपोर्ट भी करवाई है। इस मामले में जयपुर में महिला का मेडिकल कराया गया। उधर अलवर कोतवाली पहुंचने पर पीड़िता ने बेबी सेंटर संचालक से संबंधित कई आरोप लगाए। मुझे जयपुर लेके गया, वहाँ क्या हुआ? वही सैरोग्राफी हुआ, मेडिकल हुआ है वहाँ पे। जी अच्छा, और क्या हुआ है? बस वही हुआ है। कोर्ट में कोई बयान आपका हुए है? कोर्ट में बयान जो मैंने आप लोगों को पहले बताया था वही बयान कोर्ट में भी मैंने दिया है। वही बयान है जी। पेशर तो ऐसा कुछ नहीं है, थाना प्रभारी से यहाँ से मुझे कोई ये नहीं मिला है सहयोग अपना घर जाने के लिए। और रहा दूसरी बात की पंकज गुप्ता उधर दूसरा मीडिया लोगों को बोल रहे हैं कि ये मेरे पास जबरदस्ती रह रही है, तो आप बताइए अगर मैं उसके पास जबरदस्ती रहती तो वो मेरे को 22,000 रुपए क्यों देता? वो कह रहे हैं कि आप ब्लैकमेल करने आई थी वहाँ से। ब्लैकमेल करने आई थी? किस आधार पे उसको ब्लैकमेल करने आए थे? yes. मेरे साथ दो बार मतलब 4 महीना मेरे को दवा खिलाया गया, 4 महीना इंजेक्शन दिलाया गया, फिर 2 बार बच्चा ट्रांसफर किया गया, नहीं रुका, तीसरा बार बेहोश करके ही। और उसका स्टाफ का मैं नाम भी बता देती हूँ, गुंजन नाम की एक लड़की है, एक निशा नाम की लड़की है, पंकज गुप्ता, तीनों मिलकर एक बेहोश करने वाला डॉक्टर आया हुआ था हरा कलर का कपड़ा पहन के, उसका जो यूनिफॉर्म है वो पहन कर मुझे बेहोश किया। बेहोश करके मेरा एक निकालने के बाद अब उसका काम निकल गया, 60-70 हज़ार मेरे से कमा लिया, बोल रहा है कि यहाँ पे ब्लैकमेल करने आई थी। उसके बाद फिर 5 दिन दवा चलाया, इंजेक्शन लगाया, फिर बच्चा डाला जो कि पॉजिटिव भी है, अभी भी मेरा मतलब कि ब्लडिंग हो रहा है। जांच करवाए, थोड़ा देखते हैं कि झूठ है कि सच है, सब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। वहाँ पे जितना भी गलत काम करने वाली लड़कियाँ हैं, 2 नंबर लड़की लोग, शराब पीने वाली, गांजा पीने वाली, सिगरेट पीने वाली, उसका दलाल जो क्या नाम है उसका, नाम याद नहीं आ रहा, मैं आपको नाम भी बता दूंगी, वो वहाँ पे लेकर आता है लड़की लोगों को, रात को सोता भी है खुद पंकज गुप्ता, मेरे रूम से कंबल बिस्तर निकाल के देता है उन लोगों को सोने के लिए छत पे, इससे बड़ा उसे और क्या ही बताएं। दलाल की वाइफ भी आती है बच्चा लेकर, बच्चा बेचवाने, उसके बाद फिर क्या कहते हैं वहीं पे मतलब कि दलाल की वाइफ अलग बेड पे सोती है, दलाल और जो लड़की लेके आता है, क्या होता है यहाँ जो दलाल किस चीज़, बच्चा लेकर आते हैं वो लोग बाहर से और यहाँ पे अपने हॉस्पिटल में एक दिन के अंदर में शाम तक बुला के दूसरा को दे देते हैं। बच्चा कहाँ से लेके आते हैं? दिल्ली से लेकर आए थे मेरे सामने, तो छोटे बच्चे जी, एकदम नवजात बच्चे जो आज पैदा हुआ, ये लोग रातों रात लेकर आ गया, 12 बजे रात को लेकर आया, दिन भर रखा, शाम को भेज दिया उसको बच्चा को देख किसी और को, सखी सेंटर से तो वहाँ से निकाल दिया गया, वहाँ पे वो उतना दिन तक नहीं रखता है शायद। और यहाँ ये लोग बोल रहे हैं कि हम तुम्हारे जाने के लिए हम कुछ कर नहीं सकते, वो तो बोल रहे थे कि 4,000 रुपया दिलवा देते हैं, वो 4,000 रुपया देने के लिए रेडी है तुम्हारे घर जाने के लिए। तो मैंने बोला हम 4,000 लेके क्या करेंगे, मेरा घर तक पहुँचने के लिए कम से कम मेरे को 10,000 रुपया चाहिए उतना दूर, और मेरा कोई फैमिली भी नहीं, हम जाते के साथ क्या ही करेंगे, अब कोई भी सपोर्ट कर ही नहीं रहा, अब किसको हम क्या ही बोल सकते हैं। जिसको काम निकलवाना था वो तो 4 महीना रख के मेरे से काम निकलवा लिया, अब जब कुछ मेरे से हुआ नहीं तो लास्ट में बोल रहा है कि हम ही उस पर ये कर रहे हैं। तो भाई हम ये जानना चाह रहे हैं अगर मैं उसको बदनाम करने आती तो फिर वो मेरे को 22,000 रुपया क्यों देता। और दूसरी बात है अभी मेरे को घर जाना है, अभी मैं किससे हेल्प लूँ, कौन करेगा ये भी मुझे नहीं पता। संत शिरोमणि स्वामी आयलालाल साहब का वार्षिक मेला बुधवार को एनबी हाउसिंग बोर्ड में आयोजित किया गया। इस अवसर पर सुबह झंडारोहण हुआ। वहीं संत लालचंद, सुगनामल, कल्याण भगत, मोहन भगत, मंगूमल और घायल भगत आदि ने भजन सत्संग किया। इसके बाद भंडारे का आयोजन हुआ। उधर मोठुका से आए संत लालचंद ने बताया कि यह मेला पाकिस्तान के सिंध प्रांत स्थित थलेलाल दरबार से शुरू हुआ था। उनके शिष्य आयल लाल साहिब थे, उनकी बरसी के उपलक्ष्य में यहाँ हर साल मेला भरता है। थलेलाल दरबार से चालू आए, सिंध में खेबरन गांव से चालू आए, इनके शिष्य थे आयल लाल साहब, उनमें से इनकी बरसी जमोटराम शिष्य उनके थे, उनकी बरसी हर साल ये मनाते हैं। क्या क्या होता है आज यहाँ पर? यहाँ सत्संग सत्य वचन होता है, सत्य मार्ग में चलने के लिए सबको कहते हैं और इस प्रभु परमात्मा के नाम से जुड़ने के लिए सबको कहा जाता है।
शहर में परशुराम सर्किल के आठवें स्थापना दिवस पर बुधवार को यहां भगवान परशुराम की पूजा अर्चना की गई, साथ ही भंडारे का आयोजन हुआ। श्री परशुराम सर्किल समिति और जिला युवा ब्राह्मण सभा द्वारा आयोजित भंडारे में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। समिति संयोजक ओम प्रकाश शर्मा ने बताया कि इस अवसर पर सुबह भगवान हनुमान एवं परशुराम की पूजा अर्चना के साथ आरती की गई। समाज, राष्ट्र और सनातन धर्म के प्रति जागृति के उद्देश्य से यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है। श्री परशुराम सर्किल अलवर के आठवें स्थापना दिवस के अवसर पर श्री परशुराम सर्किल पर हनुमान जी की आरती और भगवान परशुराम जी की आरती की गई। इसी उपलक्ष्य में आज यहाँ प्रसादी भंडारे का आयोजन किया जा रहा है और इसमें समाज, राष्ट्र और धर्म की रक्षार्थ समाज आगे है और हमेशा यही रहता है कि हम सब मिलकर के इस सनातन धर्म को आगे ले जाएं और उसकी उन्नति के लिए हमेशा अग्रसर रहें। और वहीं अलवर शहर के लालडिग्गी क्षेत्र के श्रद्धालुओं की ओर से बुधवार को प्रसाद वितरण किया गया। इस दौरान विकास समिति से जुड़े पूरनमल भगत, बबल सैनी, राकेश सैनी, मुकेश कुमार, कमल कुमार और दीपक सैनी आदि ने प्रसाद वितरण किया। वहीं पूरन भगत ने बताया कि हर वर्ष मकर संक्रांति से पहले प्रसाद वितरण किया जाता है। इससे पूर्व भगवान भोलेनाथ और सीताराम जी के मंदिर में सुबह पूजन भी किया गया। 22 जनवरी को अयोध्या में श्री राम मंदिर के आयोजन को लेकर अलवर के अयोध्या धाम आश्रम में भी आनंद उत्सव मनाया जाएगा। बुधवार को जयपुर रोड स्थित अयोध्या धाम आश्रम में पत्रकार वार्ता के दौरान महंत श्री गंगादास महाराज ने जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 15 जनवरी को गौ पूजन और खिचड़ी उत्सव, 16 जनवरी को श्री सुंदरकांड पाठ एवं राम नाम संकीर्तन और 17 तारीख को पौधरोपण होगा। साथ ही सप्ताह भर अनेक कार्यक्रम किए जाएंगे। 22 जनवरी को रामचरितमानस पाठ के समापन पर सामूहिक हवन होगा। इसके बाद अयोध्या में होने वाले प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को बड़ी एलईडी के जरिए दिखाया जाएगा। इसके अलावा भंडारे के साथ ही शाम को भव्य महाआरती, दीपोत्सव और आकर्षक आतिशबाजी के कार्यक्रम हैं। भगवान श्री रामलला जी के श्री अयोध्या धाम में प्राण प्रतिष्ठा नूतन विग्रह मंदिर में जो जनवरी 22 जनवरी 2024 को प्रतिष्ठित होने जा रहे हैं, उन्हीं के उपलक्ष्य में यहाँ श्री अयोध्या धाम आश्रम जयपुर रोड स्थित अलवर में श्री आनंदोत्सव के रूप में हम सब लोग मनाने जा रहे हैं। इसी श्रृंखला में 15 जनवरी से लेकर के और 22 जनवरी तक विभिन्न कार्यक्रमों के द्वारा सुसज्जित होंगे और भक्तजनों को आनंद वितरित किए जाएंगे। इसी श्रृंखला में 15 जनवरी मकर संक्रांति के दिन सबसे पहले गौ पूजन, खिचड़ी उत्सव मनाए जाएंगे। 16 जनवरी 2024 मंगलवार के दिन सुंदरकांड पाठ और हरिनाम संकीर्तन किए जाएंगे। 17 जनवरी पर्यावरण संरक्षण, पौधरोपण, स्वच्छता अभियान के रूप में और इसी संदर्भ में संगोष्ठी किए जाएंगे। 18 जनवरी 2024 गुरुवार को श्री राम सखा सम्मान, कन्या पूजन विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों के द्वारा मनाएंगे। 19 जनवरी सामूहिक रूप से रुद्राभिषेक का कार्यक्रम होगा और संध्या में भजन संध्या का कार्यक्रम होंगे। 20 जनवरी 2024 शनिवार के दिन श्री राम रस व्याख्यान माला संगोष्ठी आयोजित किए जाएंगे। 21 जनवरी श्री रामचरितमानस का अखंड पाठ संगीतमय होगा और संध्या में विभिन्न भजनों के द्वारा श्री ठाकुर जी को आनंदित किए जाएंगे और महाआरती का आयोजन होगा। 22 जनवरी को श्री रामचरितमानस के समापन के बाद सामूहिक रूप से हवन किए जाएंगे और श्री ठाकुर जी को अभिषेक किए जाएंगे, बधाई गान किए जाएंगे और इसके बाद अयोध्या के कार्यक्रम अयोध्या से सीधे लाइव प्रसारण एलईडी के द्वारा हम सब लोग एक साथ मिल बैठ करके दर्शन करेंगे। इसके पश्चात भव्य भंडारा का आयोजन किए जा रहे हैं।
श्री दिगंबर जैन महासमिति के महिला प्रकोष्ठ ने एक निजी रिजॉर्ट में धूमधाम से मकर संक्रांति पर मनाया, साथ ही न्यू ईयर सेलिब्रेशन भी किया। इस अवसर पर अनेक गेम्स भी हुए। वहीं संस्था की आगामी गतिविधियों पर चर्चा की गई। संस्था अध्यक्ष सरला जैन के अनुसार पारंपरिक पिट्ठू गेम में सीमा जैन, स्नेहलता और रुचि जैन विजेता रही। वहीं बैलून्स गेम में मनीषा जैन, सरला जैन और उषा जैन सहित लड्डू गेम में नीता एवं रेखा जैन विनर रहे। इस मौके पर मोहिनी जैन, स्नेहलता, डॉली, अंजू जैन, रेखा, लक्ष्मी, शशि जैन, कमलेश और सुनीता जैन का विशेष सहयोग रहा। ओरिएंटल इंश्योरेंस की ओर से बुधवार को शहर में अग्रसेन सर्किल के समीप पौष बड़ा और भंडारे का आयोजन हुआ। मंडल कार्यक्रम कार्यालय के बाहर हुए आयोजन में सैकड़ों की संख्या में लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया। वरिष्ठ मंडलीय प्रबंधक योगेश गुप्ता ने बताया कि पौष मास के उपलक्ष्य में आयोजन किया गया है, इसके तहत प्रसाद वितरित किया जा रहा है। ओरिएंटल इंश्योरेंस परिवार की तरफ से द्विवार्षिक भंडारे का आयोजन किया गया है। इसमें सभी अधिकारियों, कर्मचारियों, अभिकर्ताओं, पूर्व अधिकारी कर्मचारियों का पूर्ण सहयोग रहा है, बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लिया है और भंडारे का लाभ उठाया है। पोष बड़े का भी आयोजन किया है जिसमें पकोड़े और जलेबी रखी है और खाने में हमने पूरी और आलू टमाटर की सब्जी रखी है। मलमास में करते हैं हर साल। मेघवाल समाज का जिला स्तरीय प्रतिभा सम्मान समारोह 21 जनवरी को दोपहर 12 बजे महावर ऑडिटोरियम में होगा। समाज के प्रतिनिधि देशराज वर्मा ने बताया कि इसमें स्थानीय विधायक एवं वन मंत्री संजय शर्मा सहित कई जनप्रतिनिधि एवं अधिकारी शामिल होंगे। इसके लिए व्यापक स्तर पर तैयारी की जा रही है। हर साल प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया जाता है। देखिए, मेघवाल समाज हर साल प्रतिभा सम्मान समारोह कराता है और इस प्रतिभा सम्मान समारोह में हमारे युवा जो अच्छी परसेंटेजों से पास होके आगे बढ़ रहे हैं उनको सम्मान किया जाएगा, जो नौकर लगे हैं उनका सम्मान किया जाएगा और उस शिक्षा में नेट सेलेट पूरा परफार्मा हमने व्हाट्सएप पे डाल दिया है। सब लोग अपना परफार्मा भर के अपनी परसेंटेज की मार्कशीट लगा कर ये हमारे जिला अध्यक्ष और एक कमेटी बना रखी है उस तक प्रस्तुत कर रहे हैं। 21 तारीख का हम कार्यक्रम रखा है और महावर ऑडिटोरियम में बड़े हर्ष और उल्लास से मनाया जाएगा। इसमें हम केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल जी और हमारे लाडले संजय भाई वन मंत्री हैं, हमारे विधायक हैं, उनको बुलाया है। चंद्रकांता मेघवाल जी आएंगी और हम ये चाह रहे हैं कि हमारे सबसे लाडले सीएम साहब आ जाएं तो मेघवाल समाज के युवाओं को और सभी लोगों को बड़ा प्रोत्साहन मिलेगा। ऐसी हमारी तैयारी है कि हम अधिक से अधिक अच्छे लोगों को, मंत्रियों को या उन लोगों को बुला के इस कार्यक्रम में युवाओं को एक अच्छा संदेश जाए, ऐसी हमारी योजना है। अयोध्या उत्सव को लेकर भाजपा कार्यकर्ता भी घर घर में पीले चावल पहुंचा रहे हैं। जिला उपाध्यक्ष देशराज वर्मा के अनुसार इसके जरिए प्राण प्रतिष्ठा समारोह का निमंत्रण दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि अलवर से अनेक भाजपा कार्यकर्ता और पदाधिकारी अयोध्या पहुंचेंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता मंडल से लेकर बूथ तक के हम सब कार्यकर्ताओं ने घर घर पीले चावल बांट दिए हैं और आपने शहर में भी देखा होगा कि टेम्पू में श्री रामचंद्र जी की मूर्ति लगा के हमारी महिलाएं कलश यात्रा निकाल रही हैं। पीले चावल हम ढोल बाजे और बजा कर घर घर जा कर पीले चावल बांट रहे हैं। ये तो हमारे कार्यकर्ताओं का आज सबको निमंत्रण देने का कार्यक्रम रहा है। 22 तारीख एक भारत के अंदर दिवाली के रूप में मनाई जाए, ऐसी हम तैयारी कर रहे हैं और कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के खूब सबसे अधिक लोग जाने के लालायित हैं और सब लोग अपने अपने सिर पर तैयारी कर रहे हैं, गाड़ियों से, ट्रेनों से, अपने अपने साधनों से। 22 तारीख को अयोध्या में सब लोग जाके और उसमें बहुत ही पावन पर्व में शामिल होंगे, ऐसा सबका मानना है। वहाँ ऐतिहासिक मंदिर बनाया गया है, ये भारत के लिए बहुत ही अच्छा समय है और अनुकूल वातावरण हो रहा है। देश का सनातन धर्म को मानने वाले भारतीय जनता पार्टी विचारधारा के लोग वहाँ एकत्रित हो। और यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, देखते रहिए एटीएल टीवी। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर।
फोन नंबर 01442338653 एंड 2338663। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहां आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट, सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड जसवंत राय से पहले कटी घाटी अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 एंड 9414019768। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। मालाखेड़ा उपखंड क्षेत्र में चने और सरसों की फसल को नुकसान की आशंका बनी हुई है। बुधवार सुबह जैसे ही खेतों पर किसान पहुंचे, फसल पर बर्फ जमी नजर आई। ऐसे में सरसों की फलियों में आ रहे दाने गलने की आशंका है। साथ ही सब्जियों की उपज को लेकर भी किसानों में भारी चिंता व्याप्त है। रोहिता शर्मा, त्रिलोक सिंह, हजारीलाल, बाबूलाल और लाला राम आदि किसानों के अनुसार मौजूदा मौसम उनकी फिक्र बढ़ा रहा है। उधर मालाखेड़ा क्षेत्र में पिछले चार दिन से लगातार कोहरे और शीतलहर का प्रकोप जारी है। ऐसे में नियमित कामकाज पर विपरीत असर पड़ रहा है। वही बाजारों में सूनापन दिखाई दे रहा है। इसके अलावा वाहनों की रफ्तार कोहरे के कारण धीमी हो गई है। दूसरी ओर आम जन सर्दी से छुटकारा पाने के लिए अलाव जलाकर उसके आसपास बैठे रहने को मजबूर हैं। इसके अलावा सर्दी जनित बीमारियों से बच्चे बीमार हो रहे हैं। ग्राम बुर्जा में शिव महापुराण की कथा का आयोजन किया जा रहा है। कथावाचक महेश चंद्र व्यास ने बुधवार को चौथे दिन शिवजी की महिमा के बारे में बताया। गोवर्धन सैनी के मंदिर पर आयोजित कथा में महिला श्रद्धालुओं ने शिव की भक्ति में लीन होकर नृत्य किया। उधर पंडित महेश चंद्र व्यास ने आह्वान किया कि सभी महिलाएं 22 जनवरी को अयोध्या उत्सव के दिन घरों पर दीपक जलाएं, साथ ही दीपावली की तरह उत्सव मनाएं। इस दौरान लक्ष्मी सैनी, राजबाला, हेमा सैनी, इंदिरा, सीमा शर्मा, अंजू राजपूत और बीना राजपूत आदि महिलाओं ने भाग लिया। राजकीय महाविद्यालय मालाखेड़ा में खेल सप्ताह के दौरान कैरम प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इसमें पुरुष वर्ग में अंकित और महिला वर्ग में पिंकी विजेता रहे। प्राचार्य प्रोफेसर रवि कुमार विजय ने बताया कि सीनियर स्कूल के खेल अधिकारी प्रहलाद सिंह राठौर के मार्गदर्शन में प्रतियोगिता का आयोजन करवाया गया। इस अवसर पर डॉक्टर अशोक यादव, डॉक्टर लक्ष्मी, लव गुप्ता, राजकमल मीना, नवीन कुमार शर्मा और रमाकांत शर्मा आदि मौजूद रहे। पौष मास चतुर्दशी पर बुधवार को प्रदोष व्रत के तहत भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना की गई। मालाखेड़ा क्षेत्र में श्रद्धालु महिलाओं ने भजन सत्संग किया और बिजली घर परिसर के पास स्थित शिवजी के मंदिर में सुबह से ही भक्तों की आवाजाही बनी रही। दोपहर बाद यहाँ भजन सत्संग किया गया, साथ ही प्रसाद वितरण भी हुआ। श्रद्धालु के अनुसार प्रदोष व्रत भगवान भोलेनाथ को समर्पित है। और अब बात राजगढ़ की, जहां ग्राम नीमला में अज्ञात जहरीली वस्तु खाने से एक गाय विक्षिप्त हो गई। उसने करीब आधा दर्जन लोगों को काट कर घायल कर दिया। सूचना मिलने पर पालिका कर्मचारी जुगनू तंबोली ने टीम के साथ पहुंचकर गाय को पकड़ा और राजगढ़ नगर पालिका परिसर के मैदान में बांध दिया। तंबोली ने बताया कि गाय के पागल होने के साथ ही ग्रामीणों को घायल करने की सूचना पर भी टीम सहित ग्राम नीमला पहुंचे। यहां पता लगा कि गाय ने ठेजा महावर, देवकरण मीना, रामजीलाल पांडू, नवल चौधरी और कालूराम भेड़वाल सहित अन्य लोगों को घायल कर दिया। इसके बाद गाय को पकड़कर राजगढ़ लाया गया है। थानागाजी पंचायत समिति सभागार में साधारण सभा की बैठक का आयोजन किया गया। विधायक कांति मीणा एवं प्रधान जयप्रकाश प्रजापत की मौजूदगी में आयोजित बैठक में पानी, बिजली और चिकित्सा सहित विकास कार्य के मुद्दों पर चर्चा की गई। सभी विभागों के अधिकारियों ने इस बैठक में भाग लिया। साथ ही सरपंचों ने सर्दी के चलते कृषि कार्य के लिए रात के बजाय दिन में बिजली सप्लाई की मांग उठाई।
लेकिन विद्युत निगम के अधिकारियों द्वारा आनाकानी करने से खफा सरपंचों ने 21 जनवरी से धरना प्रदर्शन की चेतावनी दी है। हालत नहीं सुधरने पर यह धरना द्वारापुर तिराहे के पास स्थित विद्युत निगम कार्यालय पर दिया जाएगा। साधारण सभा की मीटिंग पंचायत समिति थाना गाजी में माननीय प्रधान जी की अध्यक्षता में आयोजित की गई थी, जिसमें विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई और चर्चा होने पर जो मेन जो मुद्दा था, इस समय सर्दी का सीजन चल रहा है और सर्दी का होने की वजह से काश्तकारों को रात को बिजली जो देते हैं उसमें काश्तकार बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, उस बात को लेकर 132 जो GSS द्वारापुर है वहाँ के जो AN साहब हैं उन्होंने कोई संतोषपूर्ण जवाब हमको नहीं दे पाए। वो तो कहते हैं मैं क्या करूँ। उस बात को लेकर सभी जनप्रतिनिधियों में भारी गुस्सा है और उसको लेकर अगर विभाग 20 तारीख तक इस प्रणाली को सुधार में नहीं लाया गया, दिन में किसानों की बात को नहीं सुना गया, तो 21 तारीख को 10 बजे GSS 132 द्वारापुर पर धरना प्रदर्शन किया जाएगा किसानों को साथ लेकर। सबसे बड़ी समस्या ये है कि लाइट मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है कि लाइट बिल्कुल दिन में आनी चाहिए और हर कहीं दिन में लाइट आ रही है, केवल थानागाजी में ये समस्या है कि लाइट दिन में नहीं आ रही। हमने साधारण सभा की मीटिंग में मुद्दा उठाया तो AN प्रतापगढ़ और AN थानागाजी ने बताया कि 132 केवी से वोल्टेज वहाँ से कम आ रहे हैं और हम यहाँ से बार बार लेटर 132 केवी के AN को भेज भी दिया, उनका अभी तक उसका कोई जवाब नहीं आया और वोल्टेज बिल्कुल वहाँ से डाउन आ रहे हैं, बार बार ट्रिप मारती है। उसके बाद में जवाब यह आया कि हमने स्पष्ट कह दिया कि 10 दिन में अधिकारियों ने आनाकानी करने पर 10 दिन का हमने अल्टीमेट दिया है कि 10 दिन में या तो सुधार हो और दिन में लाइट आई, अन्यथा में मजबूरन 20 तारीख को द्वारापुर स्टैंड पर धरना प्रदर्शन, समस्त किसान बंधुओं को साथ लेकर धरना प्रदर्शन के लिए तैयार। और अब खबर बड़ौदा में से, जहां राजकीय महाविद्यालय में खेल सप्ताह के तहत रस्सा कशी और दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। कार्यवाहक प्राचार्य डॉक्टर चिरंजी लाल रैगर ने बताया कि इस दौरान 100 मीटर की दौड़ में प्रथम स्थान पर इकराना खान, द्वितीय अंशु कुमारी नरुका एवं तृतीय संजना रही। साथ ही 200 मीटर दौड़ में प्रथम स्थान पर संजना, द्वितीय इकराना खान एवं तृतीय स्थान पर अंशु कुमारी नरुका रही। इसके अलावा रस्साकशी प्रतियोगिता में स्नातक प्रथम एवं द्वितीय वर्ष की छात्राओं ने जोर आजमाइश की। प्रतियोगिता के दौरान सहायक आचार्य मोहम्मद अजीज एवं डॉक्टर रेणु शर्मा भी उपस्थित रहे। कठुमर पंचायत समिति सभागार में विधायक रमेश खींची के मुख्य आतिथ्य में साधारण सभा की बैठक हुई। प्रधान संगम चौधरी की अध्यक्षता में हुई बैठक में रसद विभाग कार्मिकों की अनुपस्थिति पर संबंधित अधिकारी को नोटिस भेजकर जवाब मांगा गया है। वहीं जनप्रतिनिधियों ने जल जीवन मिशन के तहत काम अधूरे होने के बावजूद पूरा भुगतान उठाने के आरोप लगाए। वहीं क्षेत्रीय विधायक ने सभी अधिकारियों को पूरी जानकारी के साथ बैठक में आने के लिए निर्देशित किया। इस दौरान जनप्रतिनिधियों ने मुख्य रूप से बिजली और पानी के मुद्दों पर चर्चा की, साथ ही तसई सहित अन्य स्थानों पर ठप 12 आरओ प्लांट्स का निरीक्षण कर इन्हें दुरुस्त कराने के निर्देश दिए गए। इसके अलावा टोडा सरपंच ने लो वोल्टेज आने की शिकायत की। उन्हें बताया गया कि संबंधित कार्मिक को चार्जशीट सौंप दी गई है। इसी दौरान नगर पालिका चेयरमैन शेर सिंह मीणा ने जल जीवन मिशन के तहत खोदी गई सड़कों को सुधारने का बिंदु उठाया। वहीं टेटपुरी सरपंच हरवीर और मथुरा हेड़ा सरपंच प्रतिनिधि ने आंगनबाड़ी केंद्र खोलने पर जोर दिया। आज पहली मेरे जीतने के बाद पहली पंचायत समिति की जनरल बॉडी की मीटिंग है। इस मीटिंग में जो भी जनप्रतिनिधियों के माध्यम से, सरपंच साहिबान, पंचायत सदस्य साहिबानों के माध्यम से जो भी अधिकारियों को जिस तरह का इश्यूज आए हैं, उन इश्यूजों के बारे में हमने चर्चा कर अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए कि उन पर काम करें और अगली मीटिंग पर जब भी आए तो उसको पूरी तैयारी से कंप्लाइंस करके आए। ऐसे नहीं कि उसको आज फिर दोबारा उसी को लटकाते रहें। जो काम आज उठाया उसको अगली मीटिंग तक पूर्ण होना चाहिए, ये सारे अधिकारियों को दिशा निर्देश दे दिए। उधर इस मौके पर SDM सुनील जिंगोनिया, विकास अधिकारी शशि बाला, तहसीलदार RK यादव, AN शिवराम मीना, सरपंच कल्लू राम चौधरी आदि की मौजूदगी रही। अब वही लक्ष्मणगढ़ पंचायत समिति सभागार में साधारण सभा की बैठक प्रधान रवीना जाकिर हुसैन की अध्यक्षता में संपन्न हुई। इस मौके पर कठुमर विधायक रमेश खींची और क्षेत्रीय विधायक मांगेलाल मीना मुख्य अतिथि रहे। विकास अधिकारी राजेश कुमार जाटव ने बताया कि बैठक के प्रारंभ में दोनों विधायकों का स्वागत हुआ। वहीं सरपंच साहबदीन, पंचायत समिति सदस्य विशाल बसवाल, सरपंच अशोक बना और ओम प्रकाश चौधरी सहित खुड़ियाना MPS ने अनेक मुद्दे उठाए। इसमें जल जीवन मिशन, अघोषित विद्युत कटौती और पानी बिजली एवं सड़क से जुड़े पहलू शामिल थे। वहीं उप प्रधान प्रतिनिधि योगेश पटेल ने सड़क निर्माण कार्य के चलते घरों के बाहर पानी भरा रहने की समस्या से अवगत करवाया। उधर दोनों विधायकों ने अधिकारियों से कहा कि आमजन की समस्याओं का
प्राथमिकता से समाधान किया जाए। एक तो बिजली की सबसे ज्यादा समस्या गाँव में बिजली की है। अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि भाई किसानों को बिजली है जो दिन में दें। अब इस समय बर्फ गिर रही है और रात को 10 बजे से 4 बजे तक बिजली देते हैं, वो भी ट्रिप करके आती है। इसमें आवश्यक सुधार कर दे समय रहते हुए, अन्यथा ये ठीक नहीं होगा। इसके अलावा क्या क्या समस्या प्रमुख समस्या आई है? प्रमुख समस्या शहर में नगर पालिका के द्वारा सफाई व्यवस्था बिल्कुल शरमाई गई है। हमने भी मौके पर देखा है, ईओ साहब को निर्देश किया नालों की सफाई करवाए और शहर को साफ सुथरा रखने में अहम भूमिका निभाए। अगर काम नहीं होता तो दूसरी जगह तलाश लें। आज मैं पहली बार जब से मैं निर्वाचित हुआ हूँ पहली बार लक्ष्मीपुर पंचायत समिति मीटिंग में आया हूँ। आज साधारण सभा की बैठक थी जिसमें नरेगा का अनुमोदन करना था और उसी के साथ सारे जो अधिकारी हमारे आए सभी विभागों के, उनको जैसे जैसे जनप्रतिनिधियों के माध्यम से, पंचायत सदस्य सरपंचों के माध्यम से जो जो समस्या या हम स्वयं को जो पब्लिक के माध्यम से जानकारियां मिली, उनका हमने सदन में और उन अधिकारियों को सबको निर्देश दिए कि समय समय पर जो भी सवाल उठे उन सवालों का तैयारी के साथ और जवाब के साथ उनको पूर्ति करते हुए आएँ और समय समय पर अब जो भी निर्देश दिए गए उनको निर्देशों की पालना करें। चाहे कोई बिजली की समस्या हो, चाहे कोई पानी की समस्या हो, चाहे सड़क की समस्या हो, चाहे चिकित्सा की समस्या हो, चाहे पशुपालन के संबंधित कोई मामला हो, इन सबको निर्देश दे दिए गए, निश्चित रूप से वो काम हो। उधर बैठक में तहसीलदार दुष्यंत शर्मा, विकास अधिकारी दिनेश कुमार जाटव, BCMHO रुपेंद्र शर्मा, PEO अमरचंद मीना, नायब तहसीलदार मुकेश गोयल और AN नितिन गुप्ता आदि मौजूद रहे। और अब चलते हैं खैदल तिजारा जिले की खबरों की तरफ। किशनगढ़ बाईपास स्थित विधायक कार्यालय पर बुधवार को बैठक हुई। इस दौरान 15 जनवरी को विधायक दीपचंद खैरिया के जन्म दिवस पर होने वाले कार्यक्रमों को लेकर चर्चा हुई। विधायक खैरिया के निजी सहायक सुनील कांत गोल्डी के अनुसार इस दिन मानव कल्याण समाज सेवी संस्थान द्वारा रक्तदान शिविर लगाया जाएगा। कस्बे के बासड़ा रोड पर स्थित राधिका गार्डन में इस शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इस मौके पर प्रधानमंत्री प्रसाद सुमन, ब्लॉक अध्यक्ष संदीप पाटिल, खैरतल शहर कांग्रेस अध्यक्ष शिवचरण गुप्ता, किशनगढ़ बास अध्यक्ष संदीप अग्रवाल, धीरू भाई और सरपंच अशोक आदि उपस्थित रहे, जबकि मंच संचालन राजेंद्र सिंघल ने किया। खैरतल के वार्ड 5 की महिलाओं ने जिला कलेक्टर हनुमान मल ढाका को ज्ञापन सौंपकर पेयजल व्यवस्था दुरुस्त करने की मांग उठाई है। महिलाओं ने बताया कि पिछले 6 माह से सैटेलाइट हॉस्पिटल के पास स्थित कॉलोनी में पानी की समस्या बनी हुई है। उधर जिला कलेक्टर ने सहायक अभियंता को सप्लाई सुधारने के निर्देश दिए हैं। वहीं ज्ञापन देने वालों में गोमती, उम्मीद, लज्जावती, सीमा, सुमन और रजनी सहित अन्य महिलाएं उपस्थित रहीं। शेखपुर पुलिस ने गौकशी के मामले में फरार चल रहे 2 आरोपियों को पकड़ा है। पुलिस ने शेखपुर के शरीफ और उमर मोहम्मद को गिरफ्तार किया है। थानाधिकारी हरदयाल सिंह ने बताया कि चावड़ी खुर्द गांव में यह घटना सामने आई थी। मुखबिर की सूचना पर इन दोनों फरार आरोपियों को पकड़ लिया गया। श्री योगेश दाधी पुलिस अधीक्षक महोदय जिला भिवाड़ी के निर्देश पर गौ हत्या करने वाले अपराधियों के विरुद्ध विशेष अभियान चलाया गया है, जिसमें 4 मुलजिमों को पूर्व में गिरफ्तार कर लिया गया था, शेष वांछित 2 मुलजिमों को धौड़ा और लीलू को आज गिरफ्तार किया गया है। तिजारा विधायक महंत बालकनाथ ने नगर परिषद भिवाड़ी में जनसुनवाई की। इस अवसर पर भिवाड़ी विकास संस्थान की ओर से ज्ञापन देकर आवासीय सोसाइटियों में मेंटेनेंस की समस्या से अवगत करवाया गया। विधायक ने कहा कि वे इसे लेकर जल्द बैठक करेंगे। उन्होंने अलवर बाईपास की समस्या के समाधान का आश्वासन भी दिया। इससे पूर्व तिजारा और टपुकड़ा में भी विधायक ने चौपाल लगाकर लोगों की जन समस्याएं सुनी थी। खैरतल निवासी लक्ष्मी नारायण गुप्ता के पुत्र अमित गुप्ता को भारतीय वायु सेवा में विंग कमांडर का पद मिला है। इस अवसर पर स्थानीय निवासियों द्वारा मिठाइयां वितरित की गई। लोगों ने इस उपलब्धि को गौरवपूर्ण बताया, साथ ही अमित गुप्ता के परिजनों को बधाई दी। बड़का गांव में आयोजित शिव महापुराण कथा का बुधवार को 7वें दिन समापन हो गया है। स्वामी कमलदास बापू ने यहां श्री सीताराम जी महाराज मंदिर में 12 ज्योतिर्लिंग की कथा सुनाई। इस मौके पर मंगतूराम चौधरी, मछला चौधरी, प्रकाश शर्मा, कोमल शर्मा, शिवदयाल शर्मा, मंदिर के महंत रामदास महाराज आदि की उपस्थिति रही। वहीं स्वामी कमलदास बापू की धर्मपत्नी ज्ञानवती देवी मिश्रा ने बताया कि 11 जनवरी को सुबह 9:15 बजे हवन और प्रसाद वितरण होगा। शंकर जी ने अपने गणों को भेजा, बोले हटाओ उसको, हमारे कुटिया के बाहर बैठा है एक बालक। वो लोग आए, उनसे वो नहीं हटा, जोर जबर करने लगे वो गण शिव जी के, तब उसने मार मार के सबको भगा दिया।
फिर ब्रह्मा जी आए, विष्णु जी आए, इंद्र आया, जितने भी देवी देवता आए सबको उस बालक ने मार के भगा दिया। ये होता है माँ का आशीर्वाद, माँ से बड़ा इस संसार में कोई नहीं। तब शंकर जी को क्रोध आ गया और शंकर भगवान ने अपने त्रिशूल से उसका सर काट दिया। और जैसे ही बालक का सर कटा और महादेवी जी को पता चला तो क्रोध में भर गई। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे आज की हेडलाइंस पर। शहर में रात भर बिकती है अवैध शराब, पुलिस और आबकारी विभाग से बेखौफ होकर चल रहा कारोबार। बुजुर्ग का अपहरण कर मांगी 5 लाख की फिरौती, जेल सर्किल के समीप हुई घटना के बाद परिजनों ने करवाई FIR। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर फिर हुए हादसे में 3 की गई जान, रैणी के मुकुंदपुरा में खड़े ट्रक से टकराई कार। और बाघों का कुनबा बढ़ाने में अहम रोल निभाने वाली सरिस्का की राज माता ने तोड़ा दम, रणथंभौर से आई बाघिन S3-2 से आबाद हुआ है सरिस्का। इसी के साथ खबरों में आज इतना ही, दीजिए अर्चना जैन को इजाजत, नमस्कार। खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL TV, भरोसा अलवर का।